डीएमएसपी ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। गोवर्धन, जिलाधिकारी व एसएसपी ने मंगलवार की शाम गिरिराज जी की परिक्रमा में पहुंचकर गंदगी व अतिक्रमण व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। डीएम ने अधीनस्थों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा में गंदगी व अतिक्रमण मिला तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसपी देहात, वन विभाग के अधिकारी, डीपीआरओ मिलकर लगातार परिक्रमा में मॉनिटरिंग करेंगे। डीएम सर्वग्राम मिश्रा ने थाने में बैठकर परिक्रमा मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। गौरतलब है कि गिरिराज जी की परिक्रमा में गंदगी व अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर एनजीटी कोड ने डीएम व एसएसपी को तलब किया। इसके बाद डीएम व एसएसपी शाला माथुर थाने पहुंचे। डीएम ने गिरिराज जी की परिक्रमा में दान घाटी मंदिर के सामने बनी दुकानों के पीछे से गंदा पानी आने पर तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। आने और परिक्रमा मार्ग में गिरिवर निकुंज के समीप सड़क पर जलभराव होने पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। आनियोर में दो बने निर्माणों पर कार्रवाई करने को कहा। जगह जगह गंदगी व अतिक्रमण में ढेल ढकेल आदि मिलने पर वन विभाग को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे दो दिन तक स्वयं नजर रखेंगे। इस अवसर पर एसपी देहात आदित्य शुक्ला, एसडीएम राहुल यादव, सीओ विजय शंकर मिश्र के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मैंने ये कहा था कि 24 घंटे में हटेगा, ये टूट गया, ये मलबा पूरा हटा करके क्योंकि अगल बगल की दीवार उखाड़ करके कल दोपहर तक यहाँ ट्रेन हो जाना चाहिए। कौन है तुम्हारे यहाँ का जी? बात खराब है तुम्हारा, क्यों नहीं हटा मलबा नाला? क्यों दो कल से मैं फोन से कर रहा हूँ, तुम उनको मैं लिखूंगा सस्पेंशन के लिए, दिमाग सही हो जाएगा। दो तीन टाली तुमने हटाए, फोटो डाल दिया, इससे हो जाएगी। ये जितनी तुम्हारी लीगल न्यू है, आज रात में अगर कल दोपहर तक मिला मुझे तो हम इसी में तुमको भी दफन कर देंगे। लगाओ उसको, बुलाओ अभी रात से, लगाओ उसको अभी, लगाओ वहाँ। हम डांट खा रहे हैं यार, तुम अपना तुम्हारे यही यहाँ का यही है, इसकी जिम्मेदारी यही है, इसकी जिम्मेदारी क्या करिए? डिसमिस हो गए तुम, मैं बता दे रहा हूँ। अभी रात में हटवा के यहाँ का पूरा प्लेन व्हाट्सअप करके मुझे भेजोगे। ये जितनी उसने नई न्यू बनाई सब उखड़वा के सब भरवा दो। बनी है ना इधर नई न्यू, इधर दिख नहीं रहा तुमको? ये बना हुआ नहीं दिख रहा, पूरा एकदम प्लेन चाहिए मुझे। हथौड़े से तोड़ो इसको। सजू साहब, अपनी जेसीबी जो सजू साहब, जेसीबी मंगाइए, पूरा हटवाइए।